से निवेदन करता हूं कि हमारे युवा मोर्चा के प्रसिद्ध अध्यक्ष श्री प्रांशु द्विवेदी जी को पुष्प गुच्छ कर स्वागत करें। अब मैं मुंदेला जी से निवेदन करता हूं कि जिला प्रभारी श्री अरुण पाठक जी का पुष्प गुच्छ देकर स्वागत करें। अब मैं माननीय जिलाध्यक्ष जी से कहता हूं कि भाजपा जिलाध्यक्ष श्री रूपेश गुप्ता जी का पुष्प गुच्छ देकर स्वागत करें। स्वागत इस मेला को आगे बढ़ाते हुए मंच पर ज्यादा भीड़ न बनाए, कृपया करके कार्यक्रम को बनाए रखें। अब एक आध गिनना पड़े तेरे अब मैं सभी मंडल अध्यक्षों भाजयुमों से निवेदन करता हूं कि वे आए और बड़ी माला से हमारे प्रदेश अध्यक्ष श्री स्वतंत्र जी का स्वागत करें। कि बाबा जी को लैपटॉप चलाना नहीं आता, मैं अखिलेश यादव से कहना चाहता हूं, पूछो अति गहलोत और मुख्तार अंसारी से, बाबा जी को क्या क्या चलाना आता है। बाबा जी एक इशारा कर देते हैं तो बिल्डिंग पर बुलडोजर चल जाता है, बाबा जी दूसरी तरफ इशारा कर देते हैं तो गाड़ी पलट जाती है, इसलिए अपनी पार्टी संभालो, बाबा जी क्या क्या जानते हैं इस पर चिंता मत करो। और दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं, अखिलेश यादव ने कहा कि हम सत्ता में आएंगे तो हिसाब किताब ब्याज समेत चुकता करेंगे, मैं उनसे कहना चाहता हूं कि होश में रहो, अगर युवा मोर्चा ने अपनी बाजू समेट ली तो भूसा भर देंगे, समाजवादी पार्टी को नष्ट कर देंगे। मैं कह देश आजादी के बाद कांग्रेस का शासन कोई बात नहीं दिखाई दे रहा है सभी को, एक बार शांत हो जाएंगे। एक बार आजादी के बाद कांग्रेस का शासन था इस शासन देश में, एक बार देश का बंटवारा हो चुका था, शेख अब्दुल्ला नेहरू चाहते थे कश्मीर भी अलग हो जाए, कश्मीर का प्रधानमंत्री अलग हो, कश्मीर का झंडा अलग हो, कश्मीर का संविधान अलग हो। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जो कैबिनेट में मंत्री थे कांग्रेस को, रिजाइन किया और जनसंघ का नींव रखा 21 अक्टूबर 1921 को, कहा भाई धरती पर राष्ट्रीय एकता अखंडता कायम रहेगी और देश नहीं बटेगा, भले हमारे 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 शरीर पर गुजरना पड़ा, देश नहीं बटेगा मित्रों। और 23 जून 1953 को डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी कश्मीर में बलिदान हो गए मित्रों, लेकिन कश्मीर बच गया। पंडित दीनदयाल उपाध्याय एक साधारण परिवार में जन्म लिए, एक गरीब परिवार में जन्म लिए, पंडित दीनदयाल उपाध्याय काम करते हुए मित्रों कृषि नीति, शिक्षा नीति, आर्थिक नीति, विदेश नीति, देश की नीति और अंतोदय, एकात्मानव दर्शन यानी पंक्ति के अंतिम व्यक्ति का मान सम्मान कैसे बढ़ेगा और एकात्मानव दर्शन यानी आस्था का सम्मान दुनिया में कैसे बढ़ेगा मित्रों, काम करते हुए 67 में सरकार बनी 5-6 राज्यों में, 68 में मुगलसराय स्टेशन पर उनकी हत्या कर दी गई मित्रों। देश के गौरव अटल बिहारी वाजपेयी जी का कल जन्म दिवस है मित्रों, देश के गौरव अटल बिहारी वाजपेयी जब देखने गए पता लगा, सौ को देखने गए का सूर्य ढल गया, तारों के रोशनी में मार्ग ढूंढना होगा। अटल जी मार्ग को ढूंढते हुए मित्रों जनसंघ के समय जनता पार्टी में मंत्री बने, दोहरी सदस्यता के कारण जनता पार्टी से अलग हुए, 1980 में भारतीय जनता पार्टी का नींव रखे अटल जी, 1984 में 2 सीटें आई, लोग चिढ़ाते थे हम दो हमारे दो, अटल बिहारी वाजपेयी इसी तरह कार्यकर्ताओं को एकत्रित करके उन्होंने आह्वान किया, अंधेरा छटेगा, अंधेरा छटेगा, सूरज निकलेगा और कमल खिलेगा मित्रों, और अटल जी ने कमल खिला दिया और देश के अंदर प्रधानमंत्री बने और सरकार बनी मित्रों। लेकिन सदन के अंदर सभी राजनीतिक दलों ने कहा कि अटल जी सांप्रदायिक हैं, अटल जी सांप्रदायिक हैं। आपसे मित्रों मैं बात करना चाहता हूं, मैं सांप्रदायिक क्यों हूं? राम मंदिर के निर्माण की बात करना सांप्रदायिक है, 370 धारा हटाना सांप्रदायिक है, भारत माता की जय बोलना सांप्रदायिक है,
वंदे मातरम की जय बोलना सांप्रदायिक है, अपने को हिंदू कहना सांप्रदायिक है, तो मैं सांप्रदायिक हूं, ये अटल जी ने सदन के अंदर बोला मित्रों। और उसी दिन उन्होंने कहा आज ही सुशासन की नींव रखी जा रही है और राम राज की नींव रखी जा रही है। तो देश के अंदर एक चाय बेचने वाला, कांग्रेस ने 10 सालों तक शासन चलाया, अटल जी हट गए मित्रों, फिर अटल जी अपने बिस्तर पर सोए, फिर खड़े नहीं हुए। अटल जी ने इस देश को बहुत कुछ दिया है मित्रों, प्रधानमंत्री सड़क योजना पहली बार आई, किसान क्रेडिट कार्ड पहली बार आई, पोखरण विस्फोट पहली बार हुआ, कारगिल युद्ध पहली बार हुआ अटल जी के राज्य में मित्रों, अटल जी का। लेकिन वो बिस्तर सोनिया ने कहा कि अटल जी भ्रष्ट है, निकम्मे है, फिर अटल जी को बर्दाश्त नहीं हुआ, फिर अपने बिस्तर पर सोए, फिर खड़े नहीं हो पाए मित्रों, मेरे बीच से चले गए। एक चाय बेचने वाला, गरीब परिवार में जन्म लेने वाला, बरसते पानी में मां के आंचल में छिपने वाला, एक दिन जब देश का प्रधानमंत्री बनता है आपके आशीर्वाद से मित्रों, हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री बनता है, तो कश्मीर के धरती से गरजता है, न खाएंगे न खाने देंगे, न सोएंगे न सोने देंगे मित्रों। और उसी धरती पर जब प्रधानमंत्री नहीं थे, आतंकवादियों ने ललकारा था, जो हिंदुस्तान में अपने मां का दूध पिया है वो श्रीनगर के चौक पर तिरंगा झंडा और भारत माता की जय के नारा लगाकर दिखावे। एक बालक ने कहा कि मैं भारत मां, मैं मां का दूध पिया हूं, मैं आ रहा हूं। और देश के आदरणीय नरेंद्र मोदी उस समय संगठन के महामंत्री मित्रों, श्रीनगर के लाल चौक पर पहुंचे, तिरंगा झंडा भी फहराए, भारत माता की जय का नारा दिए और आतंकवादी देखते रहे मित्रों। जब देश के प्रधानमंत्री बने, प्रधानमंत्री बनने के बाद पाकिस्तान के अंदर घुस कर मारने वाला, सर्जिकल एयर स्ट्राइक करने वाला, 70 सालों बाद कोई देश को प्रधानमंत्री मिला तो आदरणीय नरेंद्र मोदी मिले मित्रों, ऐसा प्रधानमंत्री देश को कभी नहीं मिला है मित्रों। ऐ नहीं मित्रों, 70 सालों बाद आस्था का सम्मान क्या होता है, पशुपतिनाथ दर्शन करने जाते हैं, त्रिकुट और कंठी माला पहनकर बाहर निकलने वाला 70 सालों के बाद, और आस्था का सम्मान करने वाला कोई देश के अंदर प्रधानमंत्री बना, आदरणीय मोदी जी बने मित्रों, ये थे आदरणीय मोदी जी। ऐ नहीं मित्रों, आदि शंकराचार्य राजा भोज के बाद बीच बीच में काम होता रहा, फिर केदारनाथ जी का जोड़ो हजार आद्य शंकराचार्य की मूर्ति स्थापना करने का काम कोई 70 सालों बाद किया है मित्रों, और आस्था का सम्मान कोई किया है तो आदरणीय मोदी जी ने किया है, और सभी दुनिया देख रही थी। यही रहे मित्रों, काशी विश्वनाथ के कॉरिडोर का सम्मान, और वहां पर जो काम हुआ है मित्रों, आप कल्पना नहीं कर सकते हो, वह कल्पना नहीं कर सकते हो मित्रों, उसके पीछे राज्य क्या है, दूसरी सरकार होती मित्रों, हजारों करोड़ रुपया खर्चा हो जाता तब भी इतनी ब्रांडिंग न होती। आज पूरी दुनिया के लोग काशी में आते हैं, आज एक नाविक भी खाली नहीं है, रिक्शा चालक भी खाली नहीं है, काशी में एक होटल खाली नहीं है, आज लोग रोजगार पाने का काम कोई कर रहा है मित्रों, आदरणीय मोदी जी दे रहे हैं लोगों को, और स्वास्थ्य का लाभ। नहीं मित्रों, मुझे मिला ये अलग आस्था की बात, एक महिला मिली, दलित महिला, हम की मां वोट किसको दोगी, कही अपने बेटे को दूंगा, बेटा कौन है, बोला रिक्शा चलाता है, नेताजी जिस कप में आप चाय पी रहे हैं एक गैस का कनेक्शन मेरे बेटे ने दिया है, नेताजी इस छत के नीचे मेरी मड़ई थी एक पक्का छत मेरे बेटे ने दिया है, और दुनिया का पहला प्रधानमंत्री है जो धरती पर उतरकर मेरे समाज का पैर धोने का काम किया है, वो आदरणीय नरेंद्र मोदी है। वाल्मीकि समाज का सम्मान वो महिला कहती है कि मेरे समाज का सम्मान करने का दिव्य भव्य कुंभ में आदरणीय मोदी जी की। जब मैं पहली बार यात्रा लेकर आने आया था, और यात्रा आने वाला मित्रों, मैं कहा था गुंडागर्दी भ्रष्टाचार समाप्त करूंगा, अच्छा कानून दूंगा। अब मैं यात्रा आने वाला है दो तीन दिन के बाद आपका आशीर्वाद लेने के लिए, पहले आया था आशा पूर्ण बहुमत की आप सरकार ने दिया था मित्रों, और मैं आशीर्वाद लेने आया था, और आदरणीय योगी जी को आप मुख्यमंत्री बनाए, और बनते ही
भ्रष्टाचार उन्होंने समाप्त किया। मित्रों 5 लाख की नियुक्तियां हुई इस राज्य के अंदर, 1 रुपया का भ्रष्टाचार कोई योगी पर नहीं लगा सकता है मित्रों। और 1 नियुक्तियों की सूची नहीं गई, पहले सैफ खानदान सूची भेजता था मित्रों, ये योगी सरकार है। मित्रों गुंडा राज, 12 बजे दिन में मेरी लड़की स्कूटी से निकलती थी, किसी गांव में शिक्षिका पढ़ाने जाती थी तो शिक्षिका स्कूटी छोड़ा लिया जाता था या उसको छेड़ा जाता था, रिपोर्ट दर्ज नहीं होता था। और बाई चांस पुलिस ने उसको पकड़ लिया गुंडे को, तो लखनऊ से मियां जान का फोन आ जाता था, थाने से छोड़ना पड़ता था। मित्रों आज 12 बजे रात में भी फरुखाबाद से कोई बेटी चाय पीकर निकल जाए, किसी की हैसियत नहीं कि उस बेटी को कोई छेड़ दे और वह बच जाए। मित्रों यही योगी शासन। मित्रों पहली बार इस राज्य के अंदर कांवड़ यात्रा पर प्रतिबंध लगता था, राम यात्रा पर प्रतिबंध लगता था, डीजे पर प्रतिबंध लगता था। आदरणीय योगी जी के आने के बाद न प्रतिबंध लगता है और योगी सरकार का सरकारी हेलीकॉप्टर कांवड़ यात्रा पर पुष्पों की वर्षा कराने वाला पहली बार योगी सरकार है मित्रों, जो सरकारी हेलीकॉप्टर से पुष्पों की वर्षा होती है। मैं आपके बीच में आया हूं, आपका एक मतदान बहुत महत्वपूर्ण है। मतदान कभी जातिवाद के नाम पर नहीं होता है मित्रों, मतदान व्यक्तिवाद के नाम पर नहीं होता है, मतदान मित्रवाद के नाम पर नहीं होता है, मतदान गोत्रवाद के नाम पर नहीं होता है, मतदान क्षेत्रवाद के नहीं मामला, मतदान तो केवल राष्ट्रवाद के नाम पर होता है मित्रों। और राष्ट्र मजबूत होता है आपके एक मतदान से, आपके एक मतदान से मित्रों मंदिर का निर्माण होता है, आपके एक मतदान से कानून करा जाए, आपके एक मतदान से 370 धारा समाप्त हुई, आपके एक मतदान से 3 तलाक समाप्त हुआ, आपके एक मतदान से सामान्य नागरिक संहिता लागू होता है मित्रों। ये योगी सरकार है, मोदी सरकार है मित्रों। तो कृपा रहेगी ना हम सब पर, आप सबका कृपा रहेगी कि नहीं रहेगी? रहेगी कृपा, मोदी योगी पर कृपा रहेगी? जातिवाद के ऊपर वोट, जातिवाद के जाति पर वोट गिरेगा कि जातिवाद के ऊपर वोट गिरेगा? राष्ट्रवाद के नाम पर, जोर से बोले, राष्ट्रवाद के नाम पर गिरेगा? प्रत्याशी देखना है लेकिन मोदी योगी को देखना है मित्रों। आपका एक वोट सीधे मोदी जी को जाएगा और राज्य मजबूत होगा, राष्ट्र मजबूत होगा मित्रों, देश का सम्मान बढ़ेगा दुनिया के अंदर। इसलिए आपसे निवेदन करने आया हूं, प्रार्थना करने आया हूं मित्रों, पहली बार इस देश के अंदर बंडांगे अथारू मुसर को कोई पक्का मकान देने वाला हुआ, आदरणीय मोदी योगी हुई मित्रों। आज राशन कार्ड कोरोना जैसे महामारी में भी लोगों को राशन देने का कोई काम दोनों टाइम कर रहा है तो मोदी योगी कर रहे हैं। किसान सम्मान निधि मोदी योगी कर रहे हैं। मिल रहा है राशन कि नहीं मिल रहा है गांव में? इसमें ऐसा कौन नौजवान है जो 10 घर 100 घर जाते हैं और 100 घरों में बैठकर मोदी योगी की बात करते हैं और केंद्र राशन की समझाते हैं? ऐसे कितने लोग हैं? अभी नहीं किए तो करना पड़ेगा, करोगे? मोदी योगी पर आशीर्वाद बनाओगे पक्का? कमल खिलाओगे? तो बोलो कमल, जोर से बोलो कमल, 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 नीचे से पीछे से आगे तक हाथ हिलना चाहिए कमल का। कमल, 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 कमल। मित्रों कभी हाथ के पंजे पर लच्छी में बैठ के नहीं आती है, कभी साइकिल पर बैठ के लक्ष्मी नहीं आती है, कभी पंजे पर लक्ष्मी नहीं आती है, कमल के फूल पर ही लक्ष्मी बैठ कर आती है मित्रों। इसलिए कमल रूपी बटन दबाओ और मोदी योगी जैसा नेता पाओ मित्रों। साथ में मोर्चों के सम्मेलन चल रहे हैं। पहले मैं यात्रा में निकला था, न गुंडागर्दी न भ्रष्टाचार, अब की बार भाजपा सरकार। अब यात्रा हम निकल रहे हैं केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं को लेकर, जनविश्वास यात्रा।
जनता जनार्दन का आशीर्वाद। जो मैंने आग्रह किया था, जो जनता के सामने मैं बोला था, वो सभी समस्याओं का समाधान करने का प्रयास किया हूँ। जो शेष है उसको मैं फिर से पूरा करूंगा। हमें जन समर्थन दे, अयोध्या में भूमि घोटाला सामने जनता जनता के, इसी तरह मोर्चों के सम्मेलन जो हो रहे हैं, इनके माध्यम से हम जनता और युवाओं, महिला, ओबीसी, अनुसूचित, अल्पसंख्यक, ये सभी के माध्यम से जनता के बीच में जा रहा हूँ और सभी का आशीर्वाद। मैंने कहा था गुंडागर्दी समाप्त करूंगा, मैंने समाप्त किया। आज कानून का राज है जिसके कारण देश में निवेश बढ़ रहा है। मैंने भ्रष्टाचार समाप्त किया, मैं 5 लाख नियुक्तियां किया और 1 रुपया का भ्रष्टाचार का आरोप नहीं है। ये मेरा शासन व्यवस्था है और कानून का राज है। आज कोई भी कुछ भी घटनाएं घटित होती है राज्य के अंदर, न सरकार न संगठन किसी गलत आदमी का साथ नहीं देता है। न्याय होता है और न्याय अपने अपने स्थान पर न्याय होता है और मैं न्याय का सहयोग करता हूँ, कानून का सहयोग करता हूँ। ये स्थितियाँ फिर जनता के बीच में जा रहा हूँ। हम सभी प्रदेश अध्यक्ष, जिलाध्यक्ष, कार्यकर्ता और सभी हम लोग जा रहे हैं जनता के आशीर्वाद के माध्यम से। फिर हम सरकार बनाएंगे, गरीबों की सेवा करेंगे, गरीबों के लिए काम करेंगे। हम वंशवाद की पार्टी नहीं है, न जातिवाद की पार्टी है। हम राष्ट्रवाद को मजबूत करते हैं और गरीब की सेवा करने के लिए हम सब पार्टी दल बनाए। हम दल बनाए, हम दलदल नहीं है। राजनीति हम व्यापार नहीं है मेरा, ना बिजनेस है। राजनीति हमारा मिशन है जो राष्ट्र के लिए, मेरी भारत माँ दुनिया के उच्च स्थान पर बैठे, शांति के मार्ग पर दुनिया जाए और राज्य के अंदर एक गरीब पंक्ति का अंतिम व्यक्ति, राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक, उसको सम्मान कैसे मिले, इसके लिए हम लोग काम कर रहे हैं। अध्यक्ष जी, लोगों को लोगों को देखिए, और जो लोग करते हैं तो ये रेट आज से थोड़ा चल रहा है, हमेशा चलता रहा। आजादी के बाद पहले भी चलता था, आजादी के बाद भी चल रहा है और ये सभी चलता था। आज जो मैंने वादा किया था, 370 धारा समाप्त करेंगे, समाप्त किया। राम मंदिर का निर्माण करेंगे, किया। पंक्ति के अंतिम व्यक्ति को सम्मान दूंगा, वो दे रहा हूँ। हर व्यक्ति को पक्का मकान दे रहा हूँ, स्वच्छ पानी उसके घर तक पहुँचाने का प्रयास कर रहा हूँ, शौचालय, आयुष्मान का कार्ड और गैस का कनेक्शन, बाकी योजनाएं। आज सांप से काटे हुए व्यक्ति मरना नहीं चाहे, देहांत होता है तुरंत 5 लाख का चेक उसके घर पे पहुंचता है। बिजली के करंट से यदि कुछ होता है तो 5 लाख का चेक उसके घर में होता है। मैं सब्सिडी दे रहा हूं किसानों को, हर एक सब्सिडी है, 40 से लेकर 80% सब्सिडी है लोगों को, समूह की महिलाओं को हमने लोन दे रहा हूँ, सभी लोग रोजगार कर रहे हैं, एक शांति से राज्य चल रहा है। सपा बसपा, सपा बसपा,